कद काठी छह फीटी, पैरों में काला बूट, कमर पर कसी बेल्ट, हाथ में इंसास राइफल, सीने पर अपने नाम का बिल्ला, लेकिन कमर, कांधा और माथे की टोपी पर एक ही नाम, BSF। कैसा लगा सुनके? बोलते मुझे अच्छा लगा, सुनते आपको भी ऐसा ही लगा होगा। थोड़ा दम भगी, क्योंकि हमारे जवान जो ठहरे, और हमने अमूमन सुना भी तो इतना ही है। अब एक तथ्य, बीते 10 सालों में ऐसे ही करीब 1205 जवानों ने खुदकुशी कर ली है, यानी हर साल के हुए 120 और महीने के 10 जवान। फैक्ट एक और है, सुनेंगे, 4 सालों में 47,000 ने रिटायरमेंट के पहले ही नौकरी छोड़ दी, यानी हर साल करीब 12,000 हुए। ये सच 2016 से 20 के बीच का है, पिछले साल बढ़ा ही होगा पक्का। जहां ये हालात उपज रहे, पड़ताल भी वहीं करनी होगी। तो हम पहुंचे जवानों के बीच, जगह भारत पाक बॉर्डर इलाका, जैसलमेर से सटी पाकिस्तानी सरहद, BSF का कैंप, और उन्हीं के साथ कुछ ज्यादा ही अधिक घंटे, ताकि समझें तो सही ये सब हो क्यों रहा है। बहुत सी बातें पता चली जो या तो कहीं नहीं जाती, और अगर कहीं भी जाती हैं तो बस फुसफुसाकर। जो हम समझ पाए वो बता रहे हैं, बिना इस दावे के कि यही अंतिम सच है। बहुत से सच तो कई और परतों में बंद होंगे, तो इसे देखने के लिए कुछ सच सुनते, देखते और उसके सरकारी इंतजाम को समझते हैं। सुबह 4:30 बजे हैं, जवान उठने लगे हैं, टॉयलेट कॉमन है तो कतार यहाँ भी है। 5:30 बजे ब्रेकफास्ट और जवान बॉर्डर के लिए रवाना। दोपहर 12 बजे पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है, कैंप आते आते 12:30 बज चुके हैं। लंच करते करते घड़ी की सुई 1:30 से 2 के बीच की दीवार लांग चुकी है। 2:30 बजे तक सभी जवान बेड पर हैं। अब शाम के 4:30 बज रहे हैं, जवान उठने लगे हैं। 5 बजे तक डिनर शुरू, ये दिन का लास्ट मील है। अब दूसरी शिफ्ट यानी 6:00 से 12:00 बजे के लिए रवानगी। इन सब बातों के लिए 1968 में एक एक्ट बना था, इसे BSF एक्ट कहते हैं, लेकिन इसमें जवानों की ड्यूटी आवर्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। आमतौर पर एक बॉर्डर आउटपोस्ट जिसे BOP कहा जाता है, उसका इलाका 3 से 3.5 किलोमीटर का होता है। इसकी निगरानी में अमूमन 18 से 20 जवान लगाए जाते हैं, और उसी हिसाब से उनका वर्किंग आवर्स भी बदलता रहता है। BSF में जवानों की वर्किंग आवर्स पर वहीं से रिटायर्ड ADG SK सूद कहते हैं, कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर पे तो 24 घंटे विजिल चाहिए। ये तो हुई एक बात, कुछ कहानी सी, लेकिन इसके साथ साथ सच कुछ और भी हैं। पहला सच, थोड़ी दिन पहले जंगल में थे और अब तपती रेत पर। इस BOP पे एक बटालियन आई है जो 29 जुलाई को त्रिपुरा से चली और 4 अगस्त को जैसलमेर पहुंच गई। 2 दिन बाद बॉर्डर पर तैनाती शुरू, यानी अब तक हरियाली में थे और अब गर्म रेत पे। बॉडी एडजस्टमेंट के लिए कोई वक्त नहीं। BSF एक्ट के मुताबिक शिफ्टिंग से पहले 1 महीने की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग जरूरी है। दूसरा सच, 3 साल में ट्रांसफर का नियम, लेकिन हर बार चैलेंजिंग एरिया। कई बार ऐसा होता है कि 3 साल चैलेंजिंग एरिया में रहे और फिर अगले 3 साल उसी तरह के इलाके में पोस्टिंग कर दी गई, यानी परिवार के साथ दूरी बनी की बनी रह गई। नियम ही ऐसा है, एक यूनिट के पास सिर्फ 14% फैमिली अकोमोडेशन का ऑथोराइजेशन है, यानी बाकी जवान परिवार नहीं रख सकते। तीसरा सच, सिपाही के तौर पर आए तो 20 साल तक सिपाही ही बने रहेंगे। जवानों को एक प्रमोशन में 18 से 20 साल लगते हैं, यानी सिपाही में ज्वाइन किया तो 20 साल सिपाही ही रहना होगा। ऐसे में एक ही तरह का काम करते करते फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना। दरअसल BSF में प्रमोशन का कोई रूल ही नहीं है, बस एलिजिबिलिटी का रूल है। 7 से 8 साल में सिपाही की एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है, पर प्रमोशन 20 साल में ही हो पाता है। BSF जवान ये सब बदलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, तो हम इसे कहने की कोशिश भर कर रहे हैं। सच तो यही है, BSF का भी और उन सैकड़ों खुदकुशियों का भी। क्योंकि सच